मैं पूरे दलितों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन खास तौर पे चमारों में एक अलग ही ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर बदे बदे कमेंट करने लगे, गालियां देने लगे और उनकी औकात तक मापने लगे हैं। कुछ ऐसे भड़वे गिरी करने वाले कुछ भक्तों का जो चंद्रशेखर आजाद रावण का औकात माप रहे हैं, चलो क्यों डरेंगे। जब बात हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर आएगी तो हम झंडे के साथ साथ डंडे भी उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। दोस्तों मैं यहाँ एक पुरानी एक सुंदर सी कहावत का जिक्र करूंगा, उसके बाद जिस मैटर को लेकर हम आए हैं उस मैटर पर चलेंगे, ठीक है। दोस्तों पहले कहा जाता था और सुनने को भी मिलता था कि जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी का शासन आता था, सत्ता आती थी, तब दलितों के हाव भाव बदल जाते थे, उनके अंदर एक अलग ही बदलाव देखने को मिलते थे, वो किसी से भी लड़ जाते थे, डरते भी नहीं थे, और बल्कि दूसरी जाति के लोग उनसे डरते थे और कहते थे कि भाई इनसे मत टकराओ, इस समय इनका सत्ता है। लेकिन अब मानो तो एक अलग नेता जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, जी हाँ, इनके आने के बाद मैं पूरे दलितों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन खास तौर पे चमारों में एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिलता है। और ऐसे भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण खुद कहते हैं कि मैं ही जब किसी से नहीं डरता तो हमारे समर्थक क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे। जब बात हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर आएगी तो हम झंडे के साथ साथ डंडे भी उठाएंगे। और मुझे लगता है कि उनके इसी अदा पे उनके समर्थक फिदा रहते हैं और उनके इसी तौर तरीकों को लेकर उनके समर्थक भी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी अपने काम करने के कल अलग अंदाज से और अपने विवादित बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। दोस्तों खैर हम जाति पर बात नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं जिस मैटर को हम लेकर आए हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के शोषण का आरोप और सेक्सुअल हरासमेंट करने का आरोप, कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी अभी तक ऐसे गुंडे और अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं किया है अभी तक, बल्कि जितना हो सकता है बीजेपी की तरफ से उतना ऐसे अपराधी ऐसे गुंडों का समर्थन किया जा रहा है, उनका सहयोग किया जा रहा है, चाहे पहलवानों के ऊपर लाठियां मारनी हो, चाहे उन्हें उठाकर जेल में बंद करना हो, या फिर उनके धरने प्रदर्शन के जगह जाकर उनका टेंट उखाड़ना हो, उनको आतंकवादी बोलना हो, उनको विपक्ष का कठपुतली कहना हो, मतलब सारे तौर तरीके आजमा रही है ब्रिजभूषण सिंह को बचाने के लिए। यानी कुल मिला के कहा जाए तो अपराधी के पक्ष में बीजेपी पूरी तरह से खड़ी दिख रही है। अब कहा जा सकता है कि भाई जब सरकार काम नहीं करेगी, ऐसे गुंडों और अपराधियों के ऊपर जब कोई एक्शन नहीं लेगी तो विपक्ष को मैदान में उतरना पड़ेगा, जनता को अपना फैसला भी लेना पड़ेगा, और इसी के वजह से पहलवानों के समर्थन में विपक्ष के तमाम संगठन और पार्टियां आ गई हैं, और मजबूरी में पहलवानों को भी विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी वजह से पहलवानों ने हरियाणा में एक पंचायत बुलाई थी जिसमें किसान के खाप पंचायत, सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी और कई राज्यसभा सांसद भी, और उसी में मौजूद थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण। दोस्तों रावण जहां मौजूद हो वहां तो बवाल होना ही है। खैर मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहे हैं। दोस्तों वहां पे जो मंच साझा हुआ, उस मंच से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक बयान दिया, जिस बयान को लेकर तमाम गोदी मीडिया, बीजेपी अंधभक्त और ब्रिजभूषण के समर्थक बौखलिया गए, चिचियाने लगे, कहने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का यह विवादित बयान ठीक नहीं है। ब्रिजभूषण के समर्थक तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे, गालियां देने लगे और उनकी औकात तक मापने लगे। तो मैं ऐसे भड़ुओं को चंद्रशेखर की औकात दिखाऊंगा कि चंद्रशेखर की औकात क्या है बेटा तुम्हारे सामने, ठीक है। अगर वास्तव में मैं बताऊं कि चंद्रशेखर अगर रियलिटी में अगर उतर जाए तो ये जितने अंधभक्त कमेंट कर रहे हैं ना, टट्टी निकल जाएगी, कहते हैं ना आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। खैर मैं चंद्रशेखर का बयान वो दिखाऊंगा, लेकिन
उससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र भी कर दे रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद रावल ने कहा कि अगर खिलाड़ी और खाप पंचायत एक रहें, अगर वो ऐलान कर दें तो हम ब्रिजभूषण जैसे अपराधी और गुंडे को उसके घर से घींच कर लाकर, और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखते हैं कि खींच के भी ले जाएंगे, इस बात को भी याद रखना, उसको सजा दिलाने की औकात रखते हैं। और बहुत सारे बयान थे जिसको लेकर गोदी पत्रकार भी बौखलिया गए और ब्रिजभूषण समर्थक भी हद पार करने लगे और चंद्रशेखर आजाद रावण की औकात मापने लगे। तो चलो देखते हैं कुछ ऐसे भड़वेगिरी करने वाले कुछ अनभक्तों का जो चंद्रशेखर आजाद रावण का औकात माप रहे हैं। चलो उन्हें भी थोड़ा हम कुछ कहें भाई, हमारा भी तो कहने का फर्ज बन रहा है ना। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे तो भाई ऐसे टटुओं की औकात हम कैसे बता पाएंगे हैं। चलो चलो चलते हैं, कमेंट जवाब पढ़ते हैं।